नमस्ते बच्चों, बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में बाल महाभारत कथा के भाग 3 भीष्म प्रतिज्ञा पर प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। प्रश्न: शांतनु ने यमुना तट पर किस सुंदर तरुणी को देखा? उत्तर: शांतनु ने यमुना तट पर सत्यवती को देखा। प्रश्न: शांतनु की प्रेम याचना पर सत्यवती ने क्या कहा? उत्तर: मेरे पिता केवटराज मल्हारों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति लीजिए। प्रश्न: केवटराज ने शांतनु से क्या कहा? उत्तर: आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। प्रश्न: क्या शांतनु ने केवटराज की शर्त स्वीकार की? उत्तर: नहीं, शांतनु देवव्रत को राजा बनाना चाहते थे। प्रश्न: पिता को चिंतित देखकर देवव्रत ने क्या किया? उत्तर: पिता को चिंतित देखकर देवव्रत ने पिता की चिंता का कारण पता लगाया व केवटराज से मिला। प्रश्न: देवव्रत ने केवटराज को क्या वचन दिया? उत्तर: सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। प्रश्न: केवटराज को संतुष्ट करने के लिए देवव्रत ने क्या वचन दिया? उत्तर: देवव्रत ने कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आज जन्म ब्रह्मचारी रहूंगा। प्रश्न: देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा? उत्तर: केवटराज के सामने कठोर प्रतिज्ञा करने के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। प्रश्न: सत्यवती की संतान का नाम बताएं। उत्तर: सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। प्रश्न: विचित्रवीर की रानी का नाम बताएं। विचित्रवीर की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। प्रश्न: धृतराष्ट्र कौन थे? उत्तर: धृतराष्ट्र रानी अंबिका के पुत्र थे। प्रश्न: पांडु कौन थे? उत्तर: पांडु रानी अंबालिका के पुत्र थे। प्रश्न: धृतराष्ट्र के पुत्र क्या कहलाए? उत्तर: धृतराष्ट्र के पुत्रों को कौरव कहते हैं। प्रश्न: पांडु के पुत्रों को क्या कहते हैं? उत्तर: पांडु के पुत्रों को पांडव कहते हैं। बाल महाभारत कथा का भाग 3 के प्रश्न उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। अगला भाग है अंबा और भीष्म। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।